तो यार शैंगची का फर्स्ट टीजर रिलीज किया गया है। वैसे मार्वल वाले तो आजकल टीजर के नाम पे पूरा ट्रेलर ही निकाल दे रहे हैं, और ये भी किसी ट्रेलर से कम नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत दिनों से मैंने कोई अच्छी मार्शल आर्ट पे बेस्ड मूवी नहीं देखी थी। आई थिंक अब डायरेक्ट यही देखूंगा। वैसे ट्रेलर में कई सारे हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस हैं स्पाइडरमैन से लेकर कैप्टन अमेरिका तक का, इसलिए और डिले नहीं करते हैं, बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। ट्रेलर का फर्स्ट शॉट हमें दिखाता है ये एक खंबा, जिसका सिग्निफिकेंस आगे ट्रेलर में हमें दिखता है कि कैसे बचपन से ही शैंगची यही इसी जगह प्रैक्टिस करता था। तो इस शॉट से ये क्लियर लगता है कि वो यहाँ कई सालों बाद वापस आ रहा है, टू बी एग्जैक्ट 10 साल बाद। वैसे ट्रेलर में वेनवू मतलब कि मैंडरिन जो कि शैंगची के फादर भी हैं, उसका वॉइस ओवर है, जिससे कि ओवरऑल स्टोरी का हिंट मिलता है। वो बोलता है कि उसने शैंगची को 10 साल दिए अपना लाइफ जीने के लिए, लेकिन अब उसे वापस आना होगा। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये मूवी इन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेगी। मैंडरिन के अकॉर्डिंग सिंस उसने बचपन से ही शैंगची को एक वॉरियर बनाने की ट्रेनिंग दी है, तो वो चाहता है कि शैंगची वापस आए एंड मोस्ट प्रोबेबली 10 रिंग्स को क्लेम करके उसे संभाले। बट शैंगची अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना चाहता है अपने फादर के क्राइम से दूर। तो ओवरऑल यही स्टोरी लग रही है मेरे सिंपल वर्ड्स में। वैसे हाँ, कॉमिक्स में शैंगची मैंडरिन का बेटा नहीं था। देन इस शॉट में हम शैंगची को पुशअप करते देखते हैं। उसके रूम के लुक से क्लियर पता चल जाता है कि भाई फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली जरूर है और हाँ खुश भी है। वो एक होटल में वैले का काम करता है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ फेयरमोंट सैन फ्रांसिस्को लिखा है, और फेयरमोंट सैन फ्रांसिस्को वहाँ का बेस्ट होटल है। और इससे ये पता चल जाता है कि वो अपने होम कंट्री चाइना में नहीं है, बल्कि सैन फ्रांसिस्को में एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। और हाँ, यहाँ एक्ट्रेस अक्वाफिना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शैंगची की बेस्ट फ्रेंड या लव इंटरेस्ट केटी का रोल प्ले कर रही है। अक्वाफिना को आपने कई सारे कॉमेडिक रोल में देखा होगा। इस शॉट में आप इन दोनों को कैरियोके में गाते देख सकते हो, एंड पीछे लिरिक्स ओवर द साइडवेज एंड अंडर से पता चलता है कि भाई ये डिज्नी के अलादीन फ्रेंचाइज का सॉन्ग अ होल न्यू वर्ल्ड है। अब ये डिज्नी का सॉन्ग है तो ऑब्वियसली मार्वल स्टूडियोज यूज कर ही सकते हैं, उन पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। एंड इस सॉन्ग का लिरिक्स अ होल न्यू वर्ल्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हमें इस मूवी में पूरा का पूरा एक न्यू वर्ल्ड दिखाया जाएगा, एक बिल्कुल नया शैंगची का यूनिवर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक टाइम पे हमें वकांडा दिखाया गया था। आगे के कई शॉट्स में हमें ये दिखाया जाता है कि आखिर शैंगची की लाइफ सैन फ्रांसिस्को में है कैसी। वो दिन में काम करता है, रात में दोस्तों के साथ क्लब पार्टी ये सब, बेसिकली खुश है, बट एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट के डिसिप्लिन बिहेवियर ये सब सिर्फ कोसों दूर। देन नेक्स्ट कई शॉट्स में शैंगची के फ्लैशबैक को एक्सप्लोर किया जाता है कि कैसे उसकी ट्रेनिंग हुई थी। वैसे ये कैरेक्टर डेड डीलर है जिसने कि शैंगची को ट्रेन किया है। वैसे यहाँ ऐसा दिखाया गया बट कॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो शैंगची के पिता के लिए काम जरूर करता था एंड कई बार दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश भी की है, लेकिन इस कैरेक्टर की स्टोरी कॉमिक्स में भी ना के बराबर है। और ये फर्स्ट टाइम अगस्त 1982 में दिखा था एंड लास्ट नवंबर 1982 में, मतलब कि बस 3 मंथ। और हाँ, कॉमिक्स में शैंगची ने इसे मार दिया था। आगे बढ़े तो यहाँ हम शैंगची को मैंडरिन के साथ देखते हैं, और नोटिस करने लायक ये है कि यहाँ इस मैंडरिन के हाथों पे ध्यान दें तो उसने 10 रिंग्स कलाई में पहना है, पहला विलन भाई जिसने की चूड़ियां पहन ली। कॉमिक्स में ऐसा नहीं था, ये प्रॉपर फिंगर रिंग्स थे एंड हर रिंग का एक अलग ही पावर था। इस पे मैंने 2 साल पहले एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, चाहो तो देख लेना। बट हाँ, यहाँ ऐसा हो सकता है कि भले इसने चूड़ियां पहन ली है बट स्टिल हर रिंग का अलग पावर हो, जैसे कि नेक्स्ट शॉट में ही हम सुपर स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। फिर और भी कई सारे ट्रेनिंग के शॉट्स दिखाए जाते हैं। यहाँ सब कुनाई नाइफ का यूज कर रहे हैं जो कि जनरली निंजा यूज करते हैं। भाई मैंडरिन के पास पूरी निंजा की एक आर्मी है। फिर एक क्लियर शॉट डेड डीलर का एंड ये है रेजर फिस्ट। अब इसका नाम रेजर फिस्ट क्यों है आप ट्रेलर के इस शॉट से समझ ही गए होंगे। वैसे कॉमिक्स में रेजर फिस्ट और इसका भाई दोनों साथ में ही काम करते थे एंड दोनों ने एक बार शैंगची से पंगा भी लिया था। इस फाइट में भी टीजर की ही तरह कैरेक्टर के एक ही हाथ में ब्लेड था, बट हारने के बाद जब इस कैरेक्टर का रीअपीयरेंस हुआ तब दोनों हाथ में ब्लेड आ चुके थे। तो हाँ, वैसा कुछ यहाँ भी हो सकता है। वैसे ये वाले शॉट से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का कंपटीशन होगा जिसमें शैंगची और कई दूसरे मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे से लड़ेंगे, मे बी 10 रिंग्स को क्लेम करने के लिए या कुछ और। अगर याद हो तो ऐसे ही कुछ सिमिलर हमने ब्लैक पैंथर में देखा था, जहाँ ब्लैक पैंथर का टाइटल लेने के लिए 2 वॉरियर्स आपस में लड़ते थे। वैसे अगर इस शॉट का थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दिया जाए तो यहाँ हम क्लियरली एक शील्ड बना देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है कैप्टन अमेरिका के शील्ड से। तो हाँ, मे बी बस ये एक माइनर ईस्टर एग हो सकता है। देन हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है, और हेलीपैड के साइन की जगह यहाँ भी 10 रिंग्स का सिंबल है, और भाई पूरी निंजा की फौज, जैसा कि मैंने पहले बोला था। यहाँ फॉर श्योर शैंगची को सैन फ्रांसिस्को से चाइना ले आया गया है, और हाँ साथ में अक्वाफिना की कैरेक्टर केटी भी है। पीछे ध्यान दे तो भाई रेजर ब्लेड भी है,
और यहाँ शैंगची की बहन शाओलिंग भी है जो कि मुझे लगता है लेटर शैंगची की हेल्प करेगी। एंड देन हमें फाइनली मिलता है मैंडेरिन का प्रॉपर लुक, उसके 10 रिंग्स भी उसके हाथ में विजिबल हैं। बैकग्राउंड में आप 10 रिंग्स का सिंबल भी देख सकते हो। एंड इस शॉट को देखकर मुझे आयरन मैन 3 के फेक मैंडेरिन की याद आ गई। अब पता नहीं कि उससे इस मूवी का कनेक्शन होगा या नहीं, बट हाँ मार्वल के शॉर्ट फिल्म ऑल हेल द किंग में रियल मैंडेरिन ने फेक मैंडेरिन को किडनैप करवा लिया था। और हाँ, वहाँ जो 10 रिंग्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सिंबल यूज किया था वैसा ही सिंबल यहाँ भी है, तो मे बी किसी तरह का कनेक्शन हो। लेट्स सी क्या होता है। देन मुझे सबसे ऑसम लगा ये शॉट जहाँ आप पानी को अलग ही मूवमेंट करता देख सकते हो। एंड मैं श्योर हूँ कि ये 10 रिंग्स के वन ऑफ द पावर्स में से होगा। आगे के कई शॉट में हमें कुछ एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि डेड डीलर वर्सेस शैंगची, मतलब कि गुरु चेले की लड़ाई, फिर किसी तरह के मेजर वॉर का सीन, और भाई यहाँ जानवर भी हैं, पूरी नार्निया वाली फीलिंग, फिर हाँ शैंगची वर्सेस मैंडेरिन, और फिर आता है ये वाला शॉट जिसमें हम शैंगची की बहन शाओलिंग को जियांगली से लड़ते देख रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ सारे ही नाम अजीब हैं, भाई मेरा खुद नाम बोलने में जीभ कट गया। वैसे जियांगली यहाँ ग्रीन में है एंड कॉमिक्स में ऐसा कोई कैरेक्टर था ही नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली इस कैरेक्टर को बस मूवी के लिए क्रिएट किया गया होगा। ऐसा एमसीयू मूवीज में करना बहुत ही नॉर्मल है। अब फाइनली आते हैं बस के फाइट सीन पे जहाँ रेजर फिश को शैंगची धोता है। एंड यहाँ ये कन्फर्म हो जाता है कि भाई ये मूवी के स्टार्टिंग के शॉट में ही होने वाला है, क्योंकि केटी को शैंगची की असलियत नहीं पता। और हाँ, यहाँ एक इंटरेस्टिंग ईस्टर एग स्पाइडरमैन से, यहाँ पीछे जिस बंदे को आप देख रहे हो यही सेम बंदा स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखा था। Okay, Spider-Man, go flip! Yeah! और हाँ यार, आपसे कोई पूछे कि भाई तुम कौन हो तो बस ऐसे कर देना। एंड एज ऑलवेज टीजर का एंड होता है एक कॉमेडी सीन के साथ जहाँ हम देखते हैं घिरार डेली स्क्वायर जो कि सैन फ्रांसिस्को की एक बहुत ही फेमस आइसक्रीम एंड चॉकलेट की शॉप है। तो हाँ, ओवरऑल यही होने वाला है कि शैंगची मैंडेरिन से दूर सैन फ्रांसिस्को में मजे में रहेगा एंड मैंडेरिन उसको जबरदस्ती वापस चाइना बुला लेगा जहाँ पंगे पे पंगे होंगे। और भाई अभी कोविड के टाइम पे चाइना कौन जाना चाहेगा। टीजर तो मुझे सही लगा, आपको कैसा लगा जरूर बताना। साथ ही अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो भी बताना। होप सो कि मेरा ब्रेकडाउन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर देना। 10 रिंग्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड शैंगची की कॉमिक बुक ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।